हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फंड कू मैं हूँ पूजा और आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो तो ऐसी वीडियो मैंने पहले कभी अपनी चैनल पे नहीं की है तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम सो ये एक अमेजोन वॉल्ड वीडियो है तो इसमें जो सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा एजेंशियल प्रोडक्ट्स हैं फॉर गर्ल्स तो मतलब हर लड़की के पास ये प्रोडक्ट्स होने ही चाहिए बिल्कुल मैंडेटरी है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स ना आपकी लाइफ ऐसे चुटकियों में एकदम सॉल्व कर देंगे बोले तो सॉर्टेड तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स क्विकली जम्प टू दीडियो तो मेरा जो पहला प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मतलब बहुत ही प्रिटी प्रोडक्ट है और आप इसे हर जगह कैरी कर सकते हैं तो ये मेरा प्रोडक्ट है फिलिप का फेस हेयर रिमूवर तो ये बहुत ही इजीली आपके फेस से सारे छोटे छोटे मतलब हेयर निकाल देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फिनिश देगा और इसको आप हर जगह कैरी कर सकते हैं और आपको पार्लर जाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पेशली अगर आप फेस वैक्स कराती हैं उससे आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्टलैस थी बहुत अच्छे से आपके बाल निकाल देगा और बिल्कुल पेन pain, पेनलेस है ये मतलब आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला है तो ये है वो मैजिकल प्रोडक्ट तो इस यहाँ पे आपको देखिए फिलिप लिखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है ऐसे बिल्कुल आप ईज़िली इसको कैरी कर सकते हैं फिर छोटे से पर्स में भी आ, आ सकता है तो यहाँ पे एक मिरर भी मिलता है जिससे आप अच्छे से अपना लिपस्टिक वगैरह देख सकते हैं और अपनी छोटे छोटे हेयर्स भी आप इससे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बच गए हैं है, तो आप उसको बहुत इजीली निकाल दे निकाल भी सकते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ओपन होता है तो इसको ऐसे ही ओपन करना है उसके बाद ये ऐसे लाइट ऑन हो जाएगी तो बहुत अच्छे से आपके सारे मतलब छोटे छोटे बाल आपके फेस के निकाल देगा और बहुत ही अच्छी फिनिश देगा तो इसमें आवाज़ आप सुन सकते हैं ये तो ये अगर ऐसी आवाज आए तो समझ लीजिए स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लाइन भी चल जाती है तो ये बहुत अच्छे आपके मतलब सारे इसके छोटे छोटे हैं निकाल देगा कंप्लीटली तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसको ना क्लीन करने के लिए एक छोटा सा ब्रेश भी मिलता है तो इसको क्लीन करने के लिए आपको करना है आप इस वाइट पार्ट को आपको ओपन करना है बिल्कुल ऐसे ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से सारे इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं ये सारे और इसमें भी आप हल्का सा इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है तो जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये आ, फेस आइस रूलर तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे फेस के लिए और आइस तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेस के लिए हमारे बहुत मेरे की तरह काम करती है तो हमारे फेस के वो एक्नी पिंपल और अगर आपकी फेस ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके फेस को बहुत ही अच्छा रखता है तो ट्रस्ट भी मैंने भी बहुत टाइम तक यूज़ किया है अपने फेस पर मेरे एक टाइम ना मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिम्पल्स होने लगे थे बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें तो मैंने क्या किया ना कि जो है आइस से अपने फेस पर मसाज की तो डेली रात को मैं उससे मसाज कर करती थी तो मेरे फेस से सारे पिंपल गायब हो गए अगर आपको यकीन नहीं होता ना आप खुद करके देख लीजिए बट क्या होता है ना आइस को जब हम अपने हाथ से करते हैं ना तो हाथ में बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उसको ना मेरा कभी कभी मन नहीं करता था करने का बट इससे ना बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है तो आपको कुछ इस तरीके का ये रोलर मिलता है तो ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो रबड़ थोड़ा सा रबर टाइप का टेक्सचर है और इसमें आप पानी भर के अगर फ्रिज में लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से आइस आ जाती है और आप अपने फेस को ऐसे से रब कर सकते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए सो so, जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये फेशियल पफ्स तो ये मुझे तीन पैक मिले हैं और बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल ये है तो काफी अफोर्डेबल है आपको 189 और समथिंग ये मिल जाएंगे तीन पैक और री है आप इनको वॉश करके बार बार यूज कर सकते हैं सबसे अच्छी बात है ये आपके फेस के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है अच्छा है आपके फेस को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा आप इसमें थोड़ा सा आप माइसलर uh, वाटर अच्छे से इसको लेके या फिर आप नॉर्मली इसको वॉश करके भी अगर यूज़ करते तो आपके फेस से सारा मेकअप ईजीली निकल जाता है और बहुत ही अच्छा आपका फेस नीट एंड क्लियर हो जाता है तो um, जो है ना कभी कभी कॉटन या फिर फेस वाइप्स तो हमारे फेस के लिए ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं रे, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये एम कैफीन का लिप स्क्रब तो हमने फेस स्क्रब यूज़ किया है बॉडी स्क्रब यूज़ किया है तो ये लिप्स के लिए है तो गर्मी हो या फिर सर्दी लिप्स तो हमेशा ड्राई होते हैं बट कभी कभी इतना ड्राई हो जाते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है स्पेशली मुझे तो मेरे अभी न रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट होने लगा था लिप्स से तो उससे मुझे काफ़ी पेन होने लगा था तो बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट जब होने लगता है तो हमको क्या करते हैं अपने दाँतों से उनको निकालने लगते हैं तो उससे क्या होता है ना वो अलग से वो हमारी स्किन निकल जाती है और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो मैं भी सफ़र किया था तो उसके बाद मैंने ये मंगवाया था एम कैफिन का फेस वो लिप स्क्रब है ये सॉरी तो ये एकदम कॉफ़ी जैसा होता है आपको लगेगा कि आप कॉफ़ी ही यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ये बहुत ईजिली आपके लिप पे स्प्रेड हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपके सारे ब्रेकआउट्स को निकाल देगा उसके बाद अगर आप निबाम यूज करते हैं तो बस आपका मतलब ड्राइनेस लिप्स की ख़त्म हो जाएगी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही अफोर्डेबल है इसकी बहुत पैकिंग ना भी इसकी बहुत ज़्यादा क्यूट है आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं और आप इसको वीकली टू टाइम्स अगर करते हैं तो आपके लिप्स ना ड्राई बिल्कुल भी, भी नहीं होगी स्पेशली उनमें ब्रेकआउट्स नहीं होगा बिल्कुल तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये केमिस्ट्री प्ले का रोल ऑन डिओड्रेंट तो ये मतलब वो बहुत ही अच्छा है आपके अगर अंडरआर्म्स पे डार्क पैचेस है या फिर डार्कनेस है तो उसके लिए तो ही परफेक्ट है और समर्स आ गए हैं तो आपको रोल ऑन वग़ैरह तो यूज़ करना ही होता है बट ये थोड़ा सा इसका प्राइस नॉर्मल नीविया वगैरह से थोड़ा सा ज़्यादा है बट ये काफ़ी अच्छा है आप ये स्पेशली डार्कनेस को भी हटाएगा और आपके मतलब बॉडी ऑर्डर को बिल्कुल सॉर्टेड कर लेगा इना स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इसका कुछ इस तरीके से एप्लीकेटर है बहुत ईजिली आपके आर्म्स पे स्प्रेड हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये वर्क भी करता है फोर परसेंट लैक्टिक एसिड है और इसमें मैंडलिक एसिड वन परसेंट है तो इससे क्या होता है ना हमारे आर्म्स को इवन टोन मिलता है अगर आप स्लीवलेस पहनना पसंद करते हैं बट आप को चाहिए कि आपके एंड्राम्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखें तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना चाहिए तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये माइक्रोफाइबर हेयर टावल तो ये क्या होता है ना हमारे बालों को बहुत जल्दी ऐसे चुटकियों में ना एकदम अच्छे से ड्राई कर देता है और हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है माइक्रोफाइबर है तो हमारे बालों में ना फ्रिक्शन नहीं होता है जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं तो ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है तो इसके टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ और इसके कलर ना बहुत ज़्यादा क्यूट है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और आपके बालों में एकदम अच्छे से ये इस टाइप का होता है कुछ इस तरीके का तो ये क्या होता है ना आपके बालों को बहुत ही जल्दी ड्राई कर देता है बहुत ही अच्छा है मैं हमेशा ना कभी भी मैं टॉवल से यू अपने बालों को ड्राई नहीं करती हूँ या फिर मैं कोई टी शर्ट यूज़ करती थी इससे पहले तो हमारे पास अगर टाइम नहीं होता है ना आपके बालों को सुखाने का तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको बनाया गया ऐसा कि आपके मतलब हेड पे बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा और आपके बालों को ईज़िली ड्राई करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मैजिकल प्रोडक्ट तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है ये क्या होता है ना कि हमारे नोज़ पे ना बहुत ज़्यादा डर्ट आ जाती है तो उसकी वजह से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे भी हो गई थी तो मैंने सोचा ऐसा क्या यूज़ करें जिससे हमें पार्लर भी ना जाना पड़े और हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बिल्कुल ईजिली घर पर ऐसे चुटकियों में रिमूव हो जाए तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया और मैंने इसको यूज़ भी किया बहुत ही अच्छा है और क्या होता है ना मैं अपने नोज़ पिन को निकाल देती हूँ उसके बाद अच्छे से इसको यूज़ करती हूँ जिससे हमारी यहाँ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स एकदम कम्प्लीटली निकल जाते हैं आपकी ये नोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बहुत नीट एंड क्लीन भी लगती है तो क्या होता है कि गर्मियों में या फिर विंटर्स में भी ऐसा होता है हमारे नोज़ पे ना डर्ट की वजह से स्पेशली जिनके ऑयली स्किन टाइप है तो क्या होता है ऑयली स्किन टाइप की वजह से यहाँ पे ना ऑयल आ जाता है और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी होते तो हैं उनको भी टी जोन में ऑयल आ जाता है तो जिन में तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर ऑयल आता है स्पेशली नोज़ पे तो क्या होता है वो डर्ट को ऐसे डर्ट आती है और चिपक जाती है जब नाक पे चिपक जाती है तो क्या होता है ना वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं तो इसको आप लगा के और बिल्कुल ऐसे निकालेंगे कुछ टाइम बाद तो आपके नाक से ना ब्लैक हेड्स वाइट कम्पलीटली रिमूव हो जाएंगे और आपकी नोज बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन लगे ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स आई होप आपको पसंद आए हो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी बट उसके लिए आपको मुझे मोटिवेट भी करना है सपोर्ट भी करना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर